हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टीसीएस के इंपॉर्टेंट अपडेट्स को लेकर। लेटेस्ट में क्या अपडेट्स है वो डिस्कस करेंगे, ब्रेकिंग गुड न्यूज है आप लोगों के लिए वो भी बात करेंगे। वीडियो को आप लोग इन तक जरूर देखना। सो चलिए फ्रेंड, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बता दो फ्रेंड, आप लोग मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने जस्ट आप लोग के लिए 2 दिन पहले ही आप लोग के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। ठीक है, 2 दिन पहले मैंने आप लोग के लिए बनाया था, आई थिंक 26 फेब को मैंने आप लोग के लिए वीडियो बनाया था। ठीक है, 26 फेब और आज आपका हो गया है 28 फेब। ठीक है, अगर आप लोग नोटिस करोगे दोनों दोनों में बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिला है। 7 मार्च को तो किसी को ज्वाइनिंग अभी देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए 0 है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट इफ यू आर वॉचिंग फॉर द 14 मार्च ज्वाइनिंग डेट, यू कैन सी द नंबर ऑफ कैंडिडेट गोइंग टू बी एडेड इज अराउंड, सॉरी इट्स नॉट 42 ना, ओके सो वेट 200 640, यस 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 42। एंड एंड फॉर द 21 मार्च इट्स गोइंग टू बी एडेड ऑन 117। सो यस, और सर अभी कितने भी बचे हुए हैं बता दो फ्रेंड। आई थिंक अभी मैं अगर मैं सबको कैलकुलेट करूं, लाइक निंजा, डिजिटल, बीपीएस, स्मार्ट, फ्रेशर्स, एक्सपीरियंस, रिसिड्यूल्ड, सभी को मिलाकर 3500 कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर 2024 बैच को ऐड नहीं कर रहा हूँ। 2024 बैच का अनबोर्डिंग जो है आप लोग का जो ग्रेजुएशन के 1 महीना पहले या फिर 1 महीने बाद आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और अभी वो तो आप मान के मत रखना 2024 बैच वाले, क्योंकि आप आपके सीनियर का अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। आप लोग इसका देखिए अभी आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 3000 से 3500 लोग के बीच में यहाँ पर होंगे। मैं सभी को मिला के बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिंगल निंजा डिजिटल। अगर मैं सिंगल निंजा डिजिटल बात करूँ तो मुझे तो लगता है कि 1100 के 1100 अराउंड होंगे, मुझे जहाँ तक लगता है 1100 प्लस होंगे निंजा वाले, जहाँ तक मुझे लगता है मैंने जितना मैंने कैलकुलेट करा है। ठीक है, और डिजिटल वाले भी अगर आप लोग देखोगे तो निंजा कॉम्पिटिशन थोड़ा सा कम होगा, मतलब 600 या फिर 700 के अप्रोक्स आपको देखने को मिलेगा। और बाकी बीपीएस है, फिर आपका रिसिड्यूल वाले हैं, फ्रेशर्स वाले हैं, एक्सपीरियंस वाले हैं, ये सभी का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखें फिर यस नंबर अप एड हो रहे हैं। तो यहाँ पर अभी पोर्टल अपडेट हुआ है, आप लोग देखें फिर ये आपका लेटेस्ट पोर्टल अपडेट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दैट यस। और बता दो फिर 21 मार्च के ज्वाइनिंग आने के अभी भी आपके पास चांसेस हैं, वेट करना। ठीक है, और एक और न्यू डेट्स आपको देखने को मिल सकता है इन मार्च मार्च के मंथ में, एंड ऑफ द मार्च में आपको देखने को मिल सकता है। अगर होली वगैरह बीच में प्रॉब्लम हुआ तो मे भी आपको देखने को ना मिले, बट यस मार्च में अगर नहीं मिला तो अप्रैल में तो मिलेगा ही मिलेगा, बट अप्रैल को मैं भी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, अप्रैल फ्यूचर हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मार्च तक एक मतलब है कहीं ना कहीं मेरे पास अपडेट्स, मैं बता पा रहा हूँ आप लोग को। न्यू डेट्स आएगा मार्च में एक और न्यू, मैं आपको तब भी अपडेट कर दूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट बता दो फिर यहाँ पर ज्वाइनिंग कंफर्मेशन के सर्वे में लाते हैं दैट वंस यू गॉट योर ज्वाइनिंग लेटर जनरेटेड स्टेटस ऑन योर टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल, आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू रिसीव अ ज्वाइनिंग कंफर्मेशन, इट दिस मेल स्टेटेड दैट दैट यू आर इंटरेस्टेड और नॉट। ओके, तो यहाँ पर आपका सब चेक करते हैं कि दैट वी आर रिलेटेड टू दैट यू आर एम्बार्किंग योर करियर टीसीएस एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ज्वाइनिंग एज पर द शेड्यूल डेट मेंशन इन योर टीसीएस ज्वाइन लेटर। ठीक है, टू इनेबल ए स्मूथ ऑनबोर्डिंग वी रिक्वेस्ट यू टू टेक अ शॉर्ट सर्वे टुडे, द इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्टेड हियर आर रिक्वेस्टेड टू नो योर रेडीनेस टू ज्वाइन टीसीएस ऑन द डेट मेंशन ऑन योर इन योर ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ज्वाइनिंग रेडीनेस आप लोग देख सकते हो, कंफर्मेशन सर्वे, रेडीनेस सर्वे, बोथ आर ऑलमोस्ट सेम। और यहाँ पर आप लोग को बस ये करना होगा कि यस यू आर स्टिल इंटरेस्टेड एंड यू आर एबल टू ज्वाइन, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ज्वाइनिंग रिसीड्यूल करवाते हैं, तो ये जो आपका सर्वे फॉर्म आता है ना इस इसी आप लोग सर्वे फॉर्म पे आप लोग अपने ज्वाइनिंग को भी रिसीड्यूल करवा सकते हो। इफ यू आर इफ यू वांट टू दैट सर आई वांट टू ज्वाइन माय आई वांट टू चेंज माय ज्वाइनिंग लोकेशन और ज्वाइनिंग डेट और आई वांट टू रिसीड्यूल माय ज्वाइनिंग, ठीक है, ड्यू टू सम लाइक ड्यू टू सम दिस 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 रीजन, देन यू हैव टू फिल दिस फॉर्म विद द जस्ट चूज ऑप्शन नो, लाइक दे विल आस्क यू क्वेश्चन इन द फॉर्म दैट यू आर एबल टू ज्वाइन ऑन द मेंशन डेट, तो आप लोग को नो करना, फिर रीजन पूछेंगे तो आपको रीजन बता देना। बट मैं आपको बता दूं रिसिड्यूल ज्वाइनिंग मत कराना, आप लोग का न्यू डेट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले से उन्होंने बता रखा है कि वी आर नॉट गोइंग टू चेंज एनी ज्वाइनिंग, वी आर नॉट गोइंग टू गिव एनी ज्वाइनिंग लेटर फॉर रिसिड्यूल कैंडिडेट्स ऑन अ न्यू नॉर्म, तो आप लोग प्लीज थोड़ा सेफ रहना इस मामले में। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो फिर यूनिट आई आई ओ टी डी ज्वाइनिंग डेट 21 मार्च, आई पी अटेम्प्टेड बट नॉट क्लियर्ड, ट्रेन लोकेशन त्रिवेंद्रम, वर्क लोकेशन पुणे, बता दो फिर। आप लोग अगर अटेम्प्ट भी कर रहे हो ना आईपीए, दैट्स गुड, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, मैंने वो पहले बताया था आप लोग अटेंड करना। और यहाँ पर आप लोग के पास जो है डायरेक्ट आपका जो इंटर जनरेट हो जाएगा, पहले आपका आईएलपी शेड्यूल होगा, फिर आपका ये होगा, फिर आपका ये तीनों शो करेगा वंस यू आप फिर मेल आते हैं, बहुत कम लोगों का पहले उनका पोर्टल अपडेट हो जाता है। तो आप लोग हमेशा डेली जो है आप लोग यहाँ पर आप लोग देखोगे फ्रेंड, यहाँ पर जो आई पी शेड्यूल हुआ है आप लोग देखोगे तो 4:48 और अप्रोक्स डायरेक्ट 5 PM पे हो, मतलब आफ्टर 5 PM आप लोग अपने नेक्स्ट स्टेप पोर्टल को मंडे टू फ्राइडे डेली चेकआउट करते रहना और टी सी ऑन योर ब्राउजर इग्निटो मोड, मोबाइल पे लॉगिन मत करके देखना, हमेशा ब्राउजर के लैपटॉप के ब्राउजर के इग्निटो मोड में क्रोम का यूज करना, ताकि आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शो करे। ठीक है, ये आपका हो गया
ठीक है, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो इनका भी जो है, फिर यहाँ देखेंगे तो फिर ILPA शेड्यूल हुआ है 4:45 PM पे इन्होंने एक्सेप्ट करा है, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर शो कर जाएगा फीडबैक फॉर्म वगैरह बैकग्राउंड चेक। मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, मैं आप लोग को अगेन नहीं बताने वाला हूँ, आप लोग यूट्यूब पर सर्च करके आप लोग हर इन्फॉर्मेशन को जो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर वीडियो। कुछ डाउट मेटर पूछना मिलते जय हिंद जय भारत।